बच्चों की कैंडी वाली टॉर्च नहीं, ठीक ठाक टॉर्च लानी है, इसमें रोशनी अच्छी है, उससे काम बढ़िया आएगा। ओके गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मेरा हाथ थक चुका है, थक चुका है। रात को हमारे साथ सीन हुआ बड़ा तगड़ा, हम सोए सुबह 4 बजे और सीन ये हुआ कि अब जो सीन है वो ये है कि हमने सुबह डॉक्टर को फोन किया था तो दवाई जो थी मंगाई थी अपनी, और वो दवाई वो घर लेके आ गए हैं अपने। तो अब उनके घर जा रहे हैं दवाई लेने, और साथ में शीतल और अर्श भी जा रहे हैं, तो उनको भी कुछ सामान रास्ते से लेना था तो वो भी ले लेंगे, और फिर ये काम करके आते हैं। और उसके बाद फिर शाम को डोसे बनाने हैं हमने, और डोसे बनाएंगे। बैटर तो पूरा फूल चुका है, बस में नमक डाल के इसको हिलाना है और ये बनाने के लिए रेडी है डोसा। आलू उबल रहे हैं और आलू की फिलिंग जो डोसे में भरनी है वो भी रेडी करते हैं, और साथ में फिर इसका लुत्फ उठाते हैं। और अब ये आलू की फिलिंग डोसे की बनाने की तैयारी चल रही है, तो बनाते हैं इसको, उसके बाद मिलते हैं। आलू उबल चुके हैं, प्याज लहसुन अदरक भी कट गया है, तेल कढ़ाई में डाल दिया है। टाइम जो है वो डिनर का हो चुका है और डोसे बनने शुरू हो गए हैं, और अर्श का सबसे पहला बनता है वो उसको दे दिया बना के। सो वेलकम बैक टू द व्लॉग। टाइम जो है 1 बज चुका है और आज है संडे, और संडे वाले दिन 1 बजे हम व्लॉग को कंटिन्यू करने लगे हैं जो हमने कल व्लॉग बनाया था। तो आज उस वीडियो को कंप्लीट करेंगे इस व्लॉग के साथ, और फिलहाल मैं किचन में खड़ा हूँ। किचन में क्यों खड़ा हूँ? किचन में इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैंने बनानी है चाय, और चाय पीने का मन कर रहा था मेरा भी, शीतल का भी, अर्श का भी। तो रात को हमारे साथ सीन हुआ बड़ा तगड़ा, हम सोए सुबह 4 बजे और सीन ये हुआ कि हमारा एसी जो था वो हीट की वजह से बार बार ड्रिप कर रहा था, बंद हो रहा था। गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है सेकंड फ्लोर पर कि आप रूम में भी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप तंदूर में हो। तो अब हमने इंजीनियर को बुलाया हुआ एसी रिपेयरिंग के, वो भी पता नहीं कितनी देर में आएगा, लेकिन चाय की क्रेविंग जो है वो कभी भी हो सकती है, तो इसलिए चाय बनाते हैं। और उसके बाद फिर अर्श का हमने बनाना है प्रोजेक्टर, जो हम कल बनाने वाले थे लेकिन कल भी नहीं बना पाए, आज बनाएंगे। ये बॉक्स मैंने निकाल लिया है जिसको हम यूज़ करेंगे प्रोजेक्टर बनाने के लिए। बाकी सामान मैंने कल ही निकाल लिया था, लेंस एक्सेट्रा, और बाकी जो इसकी कलरिंग वलरिंग जो होनी है वो सब चीज़ें। सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो है टॉर्च। वो टॉर्च जो है वो भी थोड़ी देर में धूप कम होती है तो अर्श को भेज के मंगा लूँगा, या खुद जाके जब भी बाहर जाना हुआ तो ले आएंगे। लेकिन उससे पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर लास्ट में सिर्फ टॉर्च लगाना रह जाएगा, टॉर्च बाद में ला के लगा देंगे, फिलहाल काम शुरू करते हैं। सो गाइस, जिसके आपको पता नहीं बड़े पापा क्या कर रहे हैं, मैं अर्श के लिए ना कुछ सिस्टम बना रहा हूँ, एक प्रोजेक्टर बनाना है, उसको थोड़ा सा हेल्प करके देगा, उसके बाद वो बना पाएगा अपने आप। ये काम मैं कर रहा हूँ उसका, ये एक्चुअली ना होल्स उससे सही से कटते नहीं है, तो मैं उसको ठीक से काट के दे रहा हूं। पहले दिखा दूंगा, उसके बाद वो पेस्टिंग का काम अपने आप कर लेगा। पहले बता दूंगी, गूगल से मैंने करा, देख लो, देखा देखो, हॉलीडेज होमवर्क कर रहा है, फिजिक्स लिखा है, फिजिक्स लिखा है, फिजिक्स समझ आई है। तो मैं क्या करूं? तो हमारे साथ बैठ, हमारी हेल्प कर। क्या गूगल पे अगर आप कुछ फिजिक्स का सर्च करते हैं, फिजिक्स लिखा हुआ नहीं होता? वो पता है क्या प्रॉब्लम है, वो तेरे जैसे करता नहीं ना, तूने ऑलरेडी इस बार गूगल से सर्च करके करना। मैं नहीं करती गूगल से सर्च, फिर दूसरे पे उंगली उठाने का कोई हक नहीं। मैं फ्लोर पे गया, मैंने पूछा तू, मैंने पूछा हॉलीवुड में बुक कर रही है? हाँ। मैंने कहा बुक से इधर टेप रही है? कह रही नहीं। मैंने कहा दिखाइयो बुक, ले जाता हूँ मैं, करती रही हूँ। अरे जब हम राइटिंग करते हैं तो बुक से ही देखनी पड़ती है, उसमें लिखा हुआ है कि आपको बुक से ही राइटिंग करनी है। चलो अब छोड़ो लड़ाई झगड़ा, अब असल काम करो। देख मैंने एक लेंस भी फिट करने की कोशिश करी है, देख रहा हूँ साइज परफेक्ट है, साइज इज एब्सोल्युटली परफेक्ट है। देखा, ऐसे करते हैं काम परफेक्शन से। देखो लेंस लगा हुआ, देखो हमने वही वाला लिया। नहीं मैं अभी चेक कर रहा हूँ, लगाऊंगा वही। तो अब इसके अंदर हमने 2-3 वॉल्स लगानी है उस फोकस एडजस्ट करके, ताकि
एक प्रोजेक्शन जो भी हम इसके चीज लगाएं उसका प्रोजेक्शन वॉल पे बढ़िया आए, इसमें तेरी फोटो बना के लगा देंगे। हाँ, मेरी फोटो लगनी चाहिए। स्लाइड लगाएंगे ना उसके बीच में, फिर तेरी फोटो बना देंगे, फिर तेरी फोटो प्रोजेक्ट होगी सामने। हाँ, मेरी बनाने से मेरी। तेरी बनाएंगे मेरे बच्चे, तेरी बनाएंगे, एक अर्श की बनाएंगे एक तेरी बनाएंगे, ठीक है। ये तो बात है ही। चलो फिर अब क्या सीन क्या है उसके बाद, जब ये स्कूल से आ जाएगा तो हम इसको घर पे यूज करेंगे। हाँ, इसमें हम सारी फिल्में देखेंगे, हॉरर वाली, हॉरर वाली बढ़िया करके हो तुम, बड़ा करके हमारे स्कूल में रखना ही जाएगा। शायद तेरे पास टॉर्च है? नहीं। अरे यार, मोबाइल की टॉर्च है। नहीं, मोबाइल वाली नहीं, फोकस वाली टॉर्च चाहिए जो यहाँ लग जाए और उससे फोकस करे जब ये प्रोजेक्शन, तो बढ़िया चीजें नजर आए। बच्चों की भी टॉर्च आती है, कैंडी वाली। बच्चों की कैंडी वाली टॉर्च? नहीं, ठीक ठाक टॉर्च लाएंगे, इसमें रोशनी अच्छी है, उससे काम बढ़िया आएगा। ओके गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मेरा हाथ थक चुका है। थक चुका है। जिस बॉक्स से हमने शुरू किया था उसकी कंडीशन कुछ ऐसी है। इस पे पेपर रैप कर दिया है, ये आगे होल बना दिया है, बना पीछे भी दिया है, बट अभी वो पूरा कट नहीं किया क्योंकि हमारे पास टॉर्च का साइज नहीं है। टॉर्च अभी लेनी है तो टॉर्च के हिसाब से वो होल कट करेंगे। फिलहाल ये आप समझ लो कि 50% काम हो गया, 50% रह गया। अब इसमें सिर्फ लेंस लगाने हैं, साथ में जो इसकी स्लाइड्स होंगी वो बनानी है, और साथ में एक टॉर्च फिक्स करनी है बस। उसके बाद हमारा प्रोजेक्टर है वो रेडी हो जाएगा। और टाइम जो है वो 3 बज गए हैं, और लंच अभी तक किया नहीं है तो लंच कर लेते हैं। और लंच में हमारे पास है आज इडली सांभर, ये रहा सांभर और ये है इडली। तो बस अब लंच करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो संडे का दिन भी हमारा शाम हो गई है, ऐसे ही बीत गया है। संडे के दिन हमेशा लेजी डेजी होते हैं। अब मैं और अर्श जाने लगे हैं उसकी टॉर्च खरीदने के लिए, टॉर्च ले आए ताकि प्रोजेक्टर पूरा हो सके। बस इतने में ही शाम हो जाएगी ख़त्म और रात शुरू हो जाएगी। तो अब मैं और अर्श, चाय बन रही है हमारी, चाय पी के फिर चलते हैं। अभी अभी घर पहुंचे हैं और इस टॉर्च ने आज पूरा शहर घुमा दिया हमें। बड़ी मुश्किल से इस साइज़ की टॉर्च मिली है, ये भी बड़ी है, इससे छोटी मिली नहीं, ढूंढ ढूंढ के थक गए। लेकिन इसके प्रोजेक्टर में लगानी थी तो फिर यही ले आए हैं। और अर्श अपना हॉलीडेज होमवर्क में थोड़ा थोड़ा बिजी है। फिर कौन सा काम कर रहा था? अच्छा, सर का काम कर रहा है। हाँ, ये प्रैक्टिस कर रहा है। ओह ग्रेट मैन, प्रैक्टिस कर रहा है अर्श, चलो अच्छी बात है, 10th क्लास है उसकी। इसका प्रोजेक्टर अब हम कोशिश करते हैं करने की कंप्लीट। लेकिन जो वक्त है वो हो चुका है 9 बजे का, और मैं भी थक चुका हूँ यार, मेरा मन नहीं है। मैंने गाड़ी वाड़ी भी क्लीन कराई है थोड़ी सी, तो अब जो है वो कल करेंगे इसका प्रोजेक्टर वाला काम। फिलहाल अब करते हैं डिनर, और उसके बाद फिर आज नीचे सोना पड़ेगा क्योंकि एसी हो गया ख़राब। गाइस वो देखो, अभी उसे फोकस करा जा रहा है, उसके बाद एक जगह पे पोजीशन कर दिया जाएगा। और यहाँ पर है पूरा सिस्टम, आगे लगा इसके लेंस, वहाँ पर है इमेज और पीछे है लाइट, और आगे ये इमेज फिश की आ रही है क्योंकि फोकस में हमने फिश रखी हुई है, और वो क्लियर फिश दिख रही होगी।